हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सलाद। ऐसे ये सलाद तो है चाइनीज़, पर इसमें सारे सामान इंडियन है। बहुत ही पौष्टिक बनता है ये। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाफ कप दलिया लिया था, दो गिलास पानी को बिल्कुल खौलता हुआ उबाल लिया था मैंने। उसके बाद दलिया को उसमें भिगो के एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने इसको पानी से निकाल लिया है, ड्रेन करके 15 से 20 मिनट के लिए छन्नी में रख दिया था। पानी इससे अच्छे से निकल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इसमें अभी पानी है तो ऐसे हाथ से निचोड़ लेंगे। निचोड़ के बाउल में रखते जाएंगे, या नहीं तो आप ऐसे मुट्ठी से निचोड़ना ना चाहे तो कॉटन के रुमाल में या कपड़े में बांध के पोटली की तरह एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दे दलिए का। सारे दलिया से पानी मैंने अच्छे से निचोड़ के रख लिया है। आधे प्याज को बारीक कट कर लिया है, हाफ शिमला मिर्च बारीक कट किया हुआ, एक टमाटर को बारीक बारीक कट कर लिया है, बीज हटा दिया है इसका, हाफ कप बिल्कुल बारीक कट किया हुआ पनीर लिया है, दो हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, एक बड़ा चम्मच बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता, एक बड़ा चम्मच बारीक कट किया हुआ पुदीना पत्ता, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे, हाफ नींबू, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। हमारा दलिए का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सलाद बन के रेडी हो चुका है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।